नगर निगम सोलन में मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों का चुनाव जनता द्वारा कर लिया गया है। यह चुनाव इसलिए किया गया था कि 17 वार्डों से चुने हुए प्रतिनिधि अपने वार्ड का विकास करेंगे, लेकिन विडंबना है कि अभी तक मेयर, डिप्टी मेयर की शपथ प्रदेश सरकार ने नहीं दिलाई है, जिसके चलते शहर के विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं। यह आरोप शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने प्रदेश सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि अपना कामकाज नहीं संभाल पा रहे हैं और न ही कोविड के इस संकट में जिला प्रशासन का कोई सहयोग करने में सक्षम है। उन्होंने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े किए और कहा कि कोविड के समय में जो प्रबंध नगर निगम को करने चाहिए थे वह अभी तक नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। देखिए, जनता ने नई नगर निगम, पहली नगर निगम बनाने के लिए 7 तारीख को जो है अपना मतदान किया था और 7 तारीख को ही उसने अपना जनादेश सुना दिया था। उसके बाद जो है मेयर और डिप्टी मेयर के भी जो चुनाव होने थे वो हो चुके हैं, परंतु बड़े दुख की बात है कि सरकार की उदासीनता के चलते हुए अभी तक जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की जो एक शपथ प्रक्रिया होती है, ओथ सेरेमनी होती है, वो जो है अभी तक नहीं हुई है, ना ही मेयर और ना ही डिप्टी मेयर की, जिस कारण जो है वो अपना पदभार नहीं संभाल पा रहे हैं। और कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी हम जो नगर निगम में काम करने के लिए असमर्थ हैं, उसका कारण ये है कि जब तक मेयर और डिप्टी मेयर अपने पद पर ही नहीं बैठेंगे, तब तक पार्षद, चुने हुए पार्षद लोग कैसे काम करेंगे, वो चाहे कांग्रेस के हों, वो चाहे भाजपा के हों, तो वो किस तरह से कार्यप्रणाली चल पाएगी, ये बहुत मुश्किल काम है। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द जो 4 नगर निगम हिमाचल प्रदेश के अंदर नई बनी है, उसमें मेयर और डिप्टी मेयर की शपथ कराई जाए, ताकि वो सुचारू रूप से पूरे सोलन और अन्य जगहों पर जो है वो कार्य कर सके। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी सैनिटाइजेशन प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। हम सोलन में कमिश्नर साहब से भी मिले थे, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय नगर परिषद, नगर निगम सोलन के पास बहुत ही कम सैनिटाइजर जो है स्प्रे करने के लिए बचा हुआ है, या कहूँ मैं तो ना के बराबर बचा हुआ है। यही कारण है कि सोलन में सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत जो है वो धीमी हो रही है। और आपने देखा, जब पिछली बार भी कोरोना काल था तो फायर ब्रिगेड के अंदर जो है बाजारों को सैनिटाइज किया जाता था, अभी भी 2 दिन शनिवार और इतवार बाजार बंद रह रहे थे, पर कोई सैनिटाइजेशन जो है वो शहर के अंदर नहीं हो पाई है। तो जब हमने इसका कारण पूछा तो कारण यही है कि जो डायरेक्टरेट है वहाँ से सीधा जो है सैनिटाइजर जो है वो स्प्रे के लिए नगर निगम में आता है, जो कि अभी तक नहीं आया हुआ है। और मात्र नगर निगम के पास 2 मशीनें ऐसी हैं जो स्प्रे कर सकती हैं, तो 2 मशीनों से मुझे, और जिसमें से एक भी जो है वो मुर्दघाट चंबा घाट में लगी हुई है, और मात्र एक टीम जो है वो पूरे शहर को कर रही है, जो कि नामुमकिन है। एक टीम से पूरे शहर को करना नामुमकिन है। दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, हर रोज जो है पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। वो लोग बाजारों में आते हैं, जाते हैं, तो बाजारों का सैनिटाइज होना बहुत ज़रूरी है, मोहल्लों का, घरों का सैनिटाइज होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें इस समय सोलन जो है वो बहुत पीछे चला है। और उसका कहीं ना कहीं जो एक कारण है वो मेयर और डिप्टी मेयर की शपथ ना होना और उनका सुचारू रूप से पदभार ना संभालना भी जो है वो इसका कारण है।